नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। अग्निपथ के विरोध में युवाओं को समर्थन देने वाली पार्टी एवं संगठन का भागलपुर में बंद का असर रहा विफल। 18 जून 2022 को सेना में भर्ती का सपना देखने वाले युवाओं ने बिहार बंद का आगाज किया, तो कुछ पार्टी एवं संगठन ने बंद का समर्थन दिया, तो जो भागलपुर में बंद का असर विफल रहा। भागलपुर रेलवे स्टेशन से लेकर सबौर तक सामान्य रूप से गाड़ी संचालित थी, सभी ट्रेनें रद्द थी। यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, किसी यात्री को पटना तो किसी को आनंद विहार जाना था। पुलिस प्रशासन जगह जगह मुस्तैद दिखे, स्टेशन से लेकर चौक चौराहे पर किसी प्रदर्शनकारी नहीं दिखी। सबौर एवं लेलक मामलखा स्टेशन में अपने क्षेत्र के थाना उपस्थित थे, यहाँ तक कि सड़क पर चलने वाली पब्लिक को कोई परेशानी नहीं दिखी। पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी के कारण शहर शांतिपूर्ण दिखी। सिटी डीएसपी के अलावा जिले लोकल थाने के पुलिस बिहार बंद में नजर आए। भागलपुर से ब्यूरो चीफ नवराज आलम की रिपोर्ट। अगर पुलिस की तैनाती है, हमें पहली नज़र भी बनी हुई है, सोशल मीडिया और जो भी है सोशल मीडिया उस पर भी नज़र रखी गई है, और जो भी इसमें किसी भी तरह का अफवाह फैलाएगा या कोई भी ऐसा काम करेगा उस पर कार्रवाई करेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि प्रशासन की ओर से चाक चौबंद आपका घर जाना था, आपको आनंद विहार जाना था। गोरेलाल यादव नाम हुआ, ठाकुर। अच्छा ये बताइए, टिकट रिजर्वेशन था क्या? रिजर्वेशन था। तो आपको पता नहीं थी कि आज बिहार बंद है? पता नहीं था। अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी आप क्या करेंगे? टिकट कैंसिल करवाइए। डॉक्टर में जाके मिले? अच्छा, अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।